हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बेहतर होंगे और हम भी बेहतर हैं। लाइफ में कुछ अच्छा करें और आपसे शेयर ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो पहली बार लाइफ में हम भी कुछ कर रहे हैं अपने अपने बच्चों के लिए। अभी तक तो मम्मी पापा ने ही हम लोगों के लिए सब कुछ किया है, घर बना के दिया है, सब कुछ दिया है बना के। लेकिन अब हमारी बारी है कि हम भी अपने लिए अपने बच्चों के लिए कुछ करें। तो आज जो है शुभ मुहूर्त निकला है, तो यहाँ पे चल रही है भूमि पूजा। और क्या बनाएंगे क्या करेंगे वो आगे की वीडियो में आपको अपडेट मिलता ही रहेगा। तो बाहर की भूमि पूजा करने के बाद हम आ गए मंदिर में, क्योंकि अपने पापा का तो आशीर्वाद लेना बनता है ना। तो यहाँ पर हम लेंगे अपने पापा का आशीर्वाद और बैठ गए यहाँ पर पूजा करेंगे। तो सबसे पहले तो क्या है कि जब भी कुछ शुभ काम करते हैं, सबसे पहले हमें अपने भगवान का, अपने देवी देवताओं का जो है आशीर्वाद लेना होता है। तो यहाँ पे चल रही थी पूजा और मैं और धानी कर रहे थे मस्ती, क्योंकि हमें देखिए यहाँ पे छोटी सी बटरफ्लाई, तो हम उसके पीछे पीछे जो है घूमने चले गए। मतलब चले नहीं गए घूमने, उनसे उसको जो है उसकी जो है वीडियो बनाने लगे, परेशान भी नहीं कर लेती हूँ मास्क। तो गाइस, इतनी रात को मैं कहाँ जा रही हूँ, चलिए आपको बताती हूँ कि मैं इतनी रात को कहाँ जा रही हूँ। देखो मुझे शू पहने दो बेटा। तो हम हो गए हैं रेडी और माँ बेटा जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं मन्नत? खेत में। रुको तो आदि, तो बताते हैं आदि, देख लेना बर्तन साफ करें, ठीक है। मैं जा रही हूँ अभी देखने के लिए। बिना मास्क के मैं कहीं नहीं जाती हूँ। और आज मैं जा रही हूँ एक सीक्रेट मिशन पे। रात 8 बज चुके हैं, 8 से ऊपर के टाइम है। और फटाफट चलते हैं। और बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा, देख रहा इतनी गर्मी, लेकिन फिर भी भगवान से प्रे करती हूँ कि आज बारिश बिल्कुल ना आए। कल बारिश आ जाए, आज बारिश ना आए। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना है, और वो इम्पॉर्टेंट काम क्या है चलिए दिखाती हूँ। देखो कितना शोर हो रहा है, गाड़ी यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, चलिए वहीं पर। तो पहुंच गए हैं फाइनली हम अपने सीक्रेट मिशन पर। तो यहाँ पे आज कुछ इम्पोर्टेंट काम होने जा रहा है, जिसके लिए हम प्रे कर रहे हैं कि बारिश भी ना हो और अच्छे से सब कुछ हो जाए। और हम आए हैं अपने बैंक्वेट हॉल पे, बराबर में काम चल रहा है और यहाँ पे चल रहे हैं जागरण। तो चलिए आपको भी माता के दर्शन करा देती हूँ। तो अच्छे से जागरण चल रहा है। अपने बैंक्वेट हॉल में और यहाँ पे चल रहा था आज जागरण। तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी डेकोरेशन जो है कंप्लीट नहीं हुई है, तो वही कंप्लीट कर रहे थे। तो जब कंप्लीट हो जाएगी तब फिर मैं कैप्चर करूँगी, आपको दिखाऊँगी। और माता रानी का जो है पूरा आशीर्वाद आपको मिलेगा जब मैं आपको दिखाऊँगी। बहुत ही अच्छी अच्छी झांकियाँ वगैरह सब कुछ लगेंगी। पता नहीं मैं रात को आ पाऊँगी या नहीं आ पाऊँगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर चल रहा है भंडारे की तैयारी, और गर्मी जो है ना बहुत भयानक हो रही है। और देखिए चंदा मामा इतने प्यारे लग रहे थे ना, जैसे ईद का चांद होता है ना, सेम वैसे ही। और हम यहाँ पे बैठ के देख रहे हैं नज़ारे और सुन रहे हैं भजन, क्योंकि यहाँ पे भजन भी चल रहे हैं। तो यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि बिल्कुल सहन नहीं हो रही थी। और भगवान से फिर भी प्रेयर कर रहे हैं कि भगवान बारिश ना हो। आज का जो टाइम है बहुत ज़्यादा, आज का दिन इम्पॉर्टेंट है, तो आज के दिन बारिश नहीं होनी चाहिए। और यहाँ मैं घूम रही थी क्योंकि मुझे जाना है घर, क्योंकि बहुत लग रही है मुझे गर्मी। जो है जोर शोर से चल रही हैं तैयारियां, और फटाफट से करेंगे क्योंकि आज बहुत लेट हो गया। उनको आना था जल्दी, लेकिन वो जिस मशीन को मतलब मैं देखने के लिए आई हूँ वो थोड़ा लेट हो रही है, और अब बोल रहे हैं 10-11 बजे के आसपास आएगी, तो तब आना पड़ेगा हमें। और उसी को देखने के लिए आई थी, मैं आपको अभी शेयर करूँगी। बहुत बड़ी मशीन सी होती है, उसको टैबलेट बोलते हैं, टैबलेट, हाँ शायद टैबलेट बोलते हैं, कुछ दवाई का नाम है। तो यहाँ पे देखिए ये सब कुछ तोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ पे बनाएंगे अभी, जो भी बन रहा है वो बनेगा। और साइड में जो है वो हमारा बैंक्वेट हॉल है जहाँ पे चल रहा है जागरण। यहाँ पे मेरे पति खड़े हैं, मोबाइल में लगे रहते हैं पूरा दिन। तो ये हमारा मंदिर है, और इस मंदिर के बराबर में बन रहा है वही चीज़ जो भी बन रही है, शेयर करूँगी फटाफट से आपको, जल्दी जल्दी वीडियो आएंगे आई होप। और यहाँ पर मेरी और मेरे पापा की फेवरेट बाइक यानी कि बुलेट खड़ी है, जो मुझे बहुत पसंद है। इसी से मैंने ड्राइविंग करना सीखा था, तो मेरी जो है बहुत सारी मेमोरी है। तो मम्मी ने बोल दिया आप घर जाओ, और घर जाने के बाद हम कॉल करेंगे तब भी आना।
क्योंकि बच्चे भी मेरे साथ हैं। और ये देखिए कितना सुंदर सजाया हुआ है बैंकेट हॉल, क्योंकि यहाँ पे जागरण। चलिए मिलेंगे अब थोड़ी देर के बाद। फाइनली वो मशीन आ गई जिसको देखने के लिए मैं थी बेताब क्या बोलती हूँ आप बता देना, मैं हमेशा उल्टा बोल देती हूँ। जिसको देखने के लिए थी मैं बेताब। और आप देख सकते हैं कितनी बड़ी है ना, एक ऐसे लग रहा था जैसे बहुत बड़ा सा एलिफेंट है वो खड़ा है। और इस मशीन में ना फटाफट से बन जाता है बहुत ही अच्छा मसाला, और इस पाइप के द्वारा जा रहा है वहाँ पर जहाँ पर इसको पहुँचना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कितना, मतलब कितना अच्छा लग रहा है इस मशीन को देख के ना। और एक अजीब सा डर भी लग रहा है कि इतनी ऊँची है ना, जब पे मतलब तार होते हैं ना, तारों के जो खम्भे आप देख सकते हो उसके बराबर तक ये ऊँचाई है। और इसको मतलब बहुत, अभी दो पीछे भी खड़ी है तो तीन टोटल जो है इस तरह की मशीन का हमें यूज़ करना है। और मैं अंदर से देख रही थी मंदिर के, क्योंकि मुझे ना पता नहीं क्यों उसके शोर से भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कितना शोर है। और बच्चे भी मैंने अंदर ही खड़े कर दिए, क्योंकि बच्चे ऐसे ही होते हैं इधर उधर चले जाएँ तो डर रहता है उनका कभी कुछ लग जाए। तो मैंने यहीं पर खड़े करके बोला है इसे देखिए। और रात का 11 बजे का टाइम हो रखा है, और आप देख सकते हैं मैं 11 बजे इसको देखने के लिए आई हूँ। अमेजिंग मशीन मैंने तो फर्स्ट टाइम देखी, और इसको देखने के लिए 11 बजे मैं घर से निकली हूँ आई हूँ। और बिल्कुल एलिफेंट वाला लुक आ रहा है इसके अंदर, तो बहुत ही डरावनी भी लग रही थी और बहुत ही अमेजिंग भी लग रही थी। मैंने तो लाइफ में पहली बार देखा। और इस तरीके से इसके अंदर पूरा मसाला बनता है, और ये अपने मुँह के द्वारा बाहर निकाल देती है इसको मशीन, और फिर इसके अंदर जाता है। इसके अंदर फिल्टर होता है, भगवान जाने क्या होता है ये मुझे नहीं पता। इस बॉक्स के अंदर या तो स्टोर होता है, और फिर इसी बॉक्स के अंदर लगा है एक पाइप जो सीधा जा रखा है छत के ऊपर, और वहाँ पे इसका जो है मटेरियल आराम से पहुँच जाता है। किसी को भी लाने उठाने की जो है ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस सीधा ये वहीं पे पहुँचेगा, तो काम आसान कर देता है। इसीलिए इसको बुलाया गया है ताकि फटाफट से हमारा काम जो है कंप्लीट हो जाए। और यहाँ पे जो है ये वीडियो मेरी सिस्टर ने मुझे बना के दी है, क्योंकि मैं चली गई थी फिर घर 11:30 के करीब। और देखिए पाइप से किस तरीके से मसाला निकल रहा है, मतलब जहाँ जहाँ ज़रूरत है बस पाइप को उठा के ये कर देते हैं, वहीं वहीं पर मसाला निकल जाता है। और मैं पहुँच गई हूँ 11:30 बजे, आप कर दे सकते हैं टाइम, घर पर। आपको फोन कहीं काम है बस?